आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के चिकित्सकों ने आए दिन चिकित्सकों के साथ होने वाली मारपीट व हिंसा की घटनाओं के विरोध में तोता के ताल स्थित IMA भवन में प्रदर्शन किया। IMA के डॉक्टर्स की मांग है कि चिकित्सकों की रक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने अपनी बिरादरी के सदस्यों के खिलाफ हिंसा से निपटने के विरोध में तोता के ताल स्थित IMA भवन में प्रदर्शन किया। IMA के डॉक्टर्स की मांग है कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो IMA का विरोध प्रदर्शन है, बढ़ती हुई हिंसा और लोगों का एक जो गुस्से का व्यवहार डॉक्टरों के प्रति हुआ है। डॉक्टर होने के नाते हम समझ सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई मानव क्षति होने के बाद परिजनों में रोष होता है, पर उन्हें ये भी समझना पड़ेगा साइंस है, मॉडर्न साइंस है जिसमें हम इलाज करते हैं। आज पूरे भारत में IMA जो है वो प्रोटेस्ट डे मना रहा है और ये इसलिए मना रहा है कि लगातार ही खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर पेशेंट वॉयलेंस कर रहा है, हिंसा कर रहा है और कई हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स की इसमें जान भी चली गई है। तो ये एक बहुत गलत इशू है। अगर मरीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शिकायत करे, प्रॉपर वे में अपनी शिकायत को दर्ज कराए, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर JA जयालाल ने कहा कि इसके सदस्यों के अलावा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया, मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क, जूनियर डॉक्टर नेटवर्क जैसे कई संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। अभी जो अस्पतालों में, क्लिनिकों में या पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के जिनके प्रतिष्ठान होते हैं, आए दिन, मैं ये तो नहीं कहूँगा मरीज उनके घर वाले, लेकिन जो उनके साथ वाले होते हैं वो जो उद्यम करते रहते हैं, चिकित्सकों को नुकसान पहुंचाते हैं, चिकित्सकों के प्रतिष्ठानों को परेशान करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफ हमारे ये देशव्यापी एक विरोध दिवस आज 18 तारीख को मनाया जा रहा है और इसके तहत हम सब लोगों ने काले फीते लगाए हैं, काला मास्क लगाया है, काले कपड़े पहने हैं। पूरा IMA जो चिकित्सा संस्थानों में हिंसा हो रही है उसके खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस मना रहा है। चिकित्सा एक सेवा है और ये हमेशा शांति के माहौल में ही करी जा सकती है और इससे ज़्यादा पवित्र कोई चीज़ नहीं है। युद्ध के मैदान में भी अगर लाल झंडा फहरा दिया जाता है रेड क्रॉस का तो वहाँ पे फायरिंग नहीं होती, बमबारी नहीं होती, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि आने वाले समय में चिकित्सा संस्थानों में हिंसा बढ़ती जा रही है और चिकित्सक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि हमारा जो क्लिनिकल प्रिवेंशन एक्ट है उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करा जाए और हमें कार्य करने के लिए एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध केंद्रीय कानून की मांग पर दबाव बनाने के लिए तोता के ताल स्थित IMA भवन में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज का जो विरोध दिवस है, जो प्रोटेस्ट है, वो बेसिकली हमारे नेशनल IMA के निर्देश पर है। उनका जो आशय है और उनका जो सम्मिशन है वो ये है कि जो कानून सरकार ने चिकित्सकों की सुरक्षा और उनके प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बनाया है वो प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है। सरकार को ये बताना है कि ये जो तंत्र है वो इस कानूनों को लागू नहीं होने देना चाह रहा है। IMA आगरा आज नेशनल IMA के आह्वान पे हम लोग ये प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं, जिसमें जो डॉक्टर्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं बिहार, दिल्ली, UP, कैलकटा, वेस्ट बंगाल सब जगह, उसके विरोध में। लेकिन मानवता संविधान को देखते हुए हमने किसी तरह की स्ट्राइक नहीं की, बस एक रिबन बांधकर, ब्लैक मास्क लगाकर हम लोग अपनी चीज़ को रख रहे हैं जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखकर IMA के डॉक्टर बेहद आहत हैं। यह दिन ब दिन हो रहा है। IMA हिंसा के खिलाफ कानून के लिए दबाव बना रहा है। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।